मंडलायुक्त जम्मू राजीव लंगर ने सोमवार को आरसपुरा में प्रशासनिक अधिकारियों जनप्रतिनिधियों से बैठक की, कोरोना महामारी के मौजूदा हालातों पर चर्चा की। इस मौके पर जनता प्रतिनिधियों ने कहा कि महामारी के बीच लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल रही, लिहाजा जो अधिकारी अपना काम बेहतर तरीके के साथ करें उनका जल्द तबादला होना चाहिए। पूरा सब डिवीजन का दौरा किया है और एसडीएम साहब यहाँ पर, एसडीपीओ साहब और साथ ही में यहाँ पर जो हमारे जनप्रतिनिधि जिसमें हमारे प्रेसिडेंट हैं, यहाँ के म्यूनिसिपल कमेटी के, हमारे तीन ब्लॉक्स के बीडीसी चेयरपर्सन यहाँ पर आए थे और जनप्रतिनिधि यहाँ पर आए थे, मार्केट एसोसिएशन से हमारे नुमाइंदे थे, उनके साथ एक डिस्कशन और चर्चा की गई जो आज का जो ये कोविड-19 पैंडेमिक को लेकर कि किस प्रकार से मिटिगेशन एफर्ट्स यहाँ पर चल रहे हैं, क्या अगर कोई कमी पेशी है तो व्यूज़ जो है उनके लिए गए। यहाँ पे ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर भी थे तो जो जो सुझाव आए हैं, जो जो बताया गया, प्रतिक्रिया आई है जनप्रतिनिधियों की तरफ से, उन पर जो है वो टीम काम करेगी। पहले भी टीम ने अच्छा काम किया है, मैं चाहूँगा कि आगे भी पूरी टीम स्पिरिट के साथ, सिविल सोसाइटी के और PRI मेंबर्स की इन्वॉल्वमेंट के साथ आगे ये काम हो, क्योंकि बार बार हम बताते रहे हैं कि ये सिर्फ किसी एक इदारे से संभव नहीं है इसकी पूरी मिटिगेशन करना, इसमें पूरे लोगों के ताउन की ज़रूरत है और वो मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ पर आरसपुरा, सुचेतगढ़, अरनिया, बिछना, मीरा साहब, पूरी जनता जो है वो मिलकर शाना बिछाना चलकर प्रशासन के इसमें हम लोग जो है इस पूरी सिचुएशन को डील कर पाए। सर जम्मू देख रहे हैं जिन जिन पॉकेट्स में हो रहा है वैसे वैसे करके हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन महकमा अपने जो डिफरेंट कोविड जो हॉस्पिटल्स हैं उनको कोविड हॉस्पिटल्स के तौर पर नोटिफाई कर रहा है। अभी आप देखेंगे कल ही हमने SDH बिछना जो है वहाँ पर 30-bed ऑक्सीजन सपोर्टेड फैसिलिटी जो है शुरू करवाई है। ये आज मैंने आकर यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी लोगों ने यह मांग रखी है कि पूरे SDH को या एक पोर्शन ऑफ SDH को हम लोग अगर यहाँ पर भी डेवलप कर सकें एज अ कोविड आइसोलेशन वार्ड, उस पर मैं डिस्कशन करूँगा जो डायरेक्टर हैं और जो भी इमीडिएटली जो इस पर कार्रवाई करनी है वो की जाए। 18 साल लगी हुई है इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट पर। आपने देखा होगा कि रिकॉर्ड टाइम में हमने 45 ईयर प्लस जो टारगेट ग्रुप था उसमें जो है वो वैक्सीनेशन करवाई है। जम्मू ज़िला ऑलमोस्ट अब 99% जो है वो कवरेज हो गई है टारगेट ग्रुप में। जो 18 से 45 का टारगेट ग्रुप है उसके लिए भी जो है पूरे एफर्ट्स किए जा रहे हैं फॉर इमीडिएट प्रोक्योरमेंट ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ डोजेस, और ये बिल्कुल एक ग्रेडेड मैनर में प्रायोरिटी ग्रुप्स तय करके इसका भी जो है पूरी ड्राइव चलाई जाएगी। सर जैसा कि आपने कहा कि बेहतर सुविधा जहाँ दी जाएगी मेडिकल जाएगी, जी देखिए इसमें हम लोग चेक करवा लेते हैं, मैं SDM साहब को बोलूँगा इसमें एक बार देखा जाए कि रोस्टर किस हिसाब से बनाया गया है यहाँ पर, और नाइट ड्यूटी में अगर ड्यूटी लगाई जा रही है तो जैसा आप बता रहे हैं कि वहाँ पर डॉक्टर्स की प्रेजेंस होनी चाहिए, उसको हम लोग चेक करेंगे। थैंक यू। अगर आपने अभी तक जो की खबर नाउ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा तरीन खबरों की जानकारी के लिए www.jkkhabarnow.com पर देश दुनिया की खबरें भी आप देख सकते हैं।